अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो कैसे हम सब, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो हमारी कैपकट के पंप्स पर होने लगी है, जैसा कि आपने प्रीव्यू में देख लिया होगा। ये कैपकट के पंप्स मैंने खुद के बनाए हुए हैं, तो इन पंप्स को बनाना बहुत ही ईजी है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, आपने कैपकट ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। वहाँ से आपने अपनी वीडियो जो से इम्पोर्ट करनी है उसको आप इम्पोर्ट कर लें। इम्पोर्ट करने के बाद आपने अपनी वीडियो का जो सा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपने सबसे पहले कट और डिलीट कर देना है। जो मेरी वीडियो में एक्स्ट्रा पार्ट थे उनको मैंने स्प्लिट करके डिलीट कर दिया है। तो इसके बाद गाइस, आपने अपनी वीडियो में साउंड ऐड करना है। साउंड ऐड करने के बाद आपने उस साउंड पर कुछ बीट्स ऐड करनी है। जहाँ पर आपने वो पंप ऐड करना है वहाँ पर आपने बीट्स ऐड कर लेनी है। बीट्स ऐड करने के लिए आपने अपनी म्यूजिक की लेयर को सिलेक्ट करना है। आपको नीचे मैच कट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने जैसे उसको क्लिक करना है। इसके बाद आपने ऐड बीट पर क्लिक करना है तो आपके साउंड में बीट ऐड हो जाएगी। तो ये बीट आपने वहाँ पर ऐड करनी है जहाँ पर आपने पंप ऐड करना है। तो चलें अब मैं अपने साउंड पर बीट्स ऐड करने लगा हूँ। तो गाइज, मैंने अपने साउंड की बीट्स पर मार्क ऐड कर लिया है। इसके बाद गाइज, जो आपकी वीडियो है उसको आपने अपनी बीट्स पर एडजस्ट करना है। जहाँ पर आपकी बीट होगी आपने वहाँ पर उस वीडियो को स्प्लिट कर लेना है। ये जो मेरी वीडियो थी इस पे तो मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो को स्प्लिट किया हुआ है, क्योंकि मैंने इसमें से एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट करने थे। आपकी जो वीडियो होगी आपने अपने साउंड की बीट पर वीडियो को स्प्लिट कर देना है। तो गाइज, जो मेरी वीडियो के सेपरेट पार्ट थे उनको मैंने अपने साउंड की बीट्स पर एडजस्ट कर लिया है। इसके बाद गाइज, आपने अपनी वीडियो के उस पार्ट पर आना है जहाँ पे आपने फर्स्ट पंप अप्लाई करना है। इसके बाद गाइज, आपको नीचे एनिमेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कॉम्बो को सिलेक्ट कर लेना है। वहाँ पर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपने जूम वन एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज, आपकी वीडियो कुछ ऐसी दिखेगी। तो गाइस, इसके बाद आपने उस स्प्लिट पार्ट के नेक्स्ट स्प्लिट पार्ट पर आ जाना है। इस स्प्लिट पार्ट पर भी हमने एक एनिमेशन ऐड करनी है। आप जाएंगे नीचे एनिमेशंस पर, वहाँ पर आपने इनको सिलेक्ट करना है। उसके बाद गाइस, आपने रोक वर्टिकली एनिमेशन को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इसकी जो सेटिंग है वो 0.6 रखनी है। इसके बाद गाइस, आपका पंप कुछ ऐसा शो होगा। सो गाइज, ये हमारा फर्स्ट बेसिक पंप रेडी हो चुका है, बट इसमें हम लास्ट में कुछ अफेक्ट्स और एनिमेशंस ऐड करेंगे। सो गाइज, अगर आप इसी तरह नेक्स्ट पंप बनाना चाहते हैं तो उसमें हम जूम वन एनिमेशन ऐड नहीं करेंगे। अगर हम जूम वन एनिमेशन ऐड करेंगे तो वो हमारा पंप सही, तो ये वाला पंप हमारा पहले जैसा नहीं दिखेगा। सो गाइस, जैसा कि आपने देख लिया होगा हमारा फर्स्ट पंप कैसा था और ये वाला पंप हमारा कैसा है। तो इस पंप को स्मूथ बनाने के लिए आपने जस्ट इसमें 2 की फ्रेम्स ऐड कर लेनी है। जूम वन एनिमेशन की जगह हम इस स्प्लिट पार्ट पर 2 की फ्रेम्स ऐड करेंगे। जहां पर आपको स्प्लिट पार्ट का एंड है उससे थोड़ा सा पीछे आपने 1 की फ्रेम ऐड कर लेनी है, और सेकेंड की फ्रेम आपने अपने स्प्लिट पार्ट के बिल्कुल एंड में ऐड करनी है। इसके बाद जो आपने लास्ट की फ्रेम ऐड की होगी आपने उसको जूम करना है। जितना आपने पंप को जूम करना है उतना ही आपने उसकी फ्रेम पर स्क्रीन को जूम कर लेना है। तो जितना मैंने जूम किया आप इतना भी कर सकते हैं। इसके बाद गाइस, आपने इन 2 की फ्रेम्स के मिड में ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए नीचे आपको सबसे लास्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको ग्राफ का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने सिंपली उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कस्टम पर जाना है। वहाँ पर आपने इन 2 की फ्रेम्स के मिड में ग्राफ एडजस्ट करना है। जैसे मैंने ग्राफ को एडजस्ट किया आपने भी सेम इसी तरह एडजस्ट करना है। ग्राफ बनाते वक्त आपने सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, ये जो आपकी ग्राफ की लाइन है इसको आपने रेक्टेंगल की लाइन से नीचे लेके नहीं जाना, नहीं तो आपका पंप सही तरह वर्क नहीं करेगा। ये ग्राफ बनाने के बाद आपकी वीडियो में कुछ ऐसी एनिमेशन आएगी। इसके बाद गाइस, आपने नेक्स्ट स्प्लिट पार्ट पर आ जाना है। यहाँ पर आपने एक दोबारा एनिमेशन ऐड करनी है। आप जाएंगे नीचे एनिमेशंस पर, वहाँ पर आपने इन पर जाना है। देन आपने रोक वर्टिकली एनिमेशन को दोबारा ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जो इसकी स्पीड है वो आपने 0.6 रखनी है। इसके बाद गाइस, आपका पंप कुछ ऐसा दिखेगा।
सो गाइज जो हमने फर्स्ट पंप ऐड किया था, अगर आप उसमें भी इस तरह जूम इफेक्ट देना चाहते हैं, उसमें तो हमने जूम इन एनिमेशन ऐड की थी, बट अगर आप पंप को थोड़ा और जूम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम ये 2 की फ्रेम्स ऐड करेंगे, एक लास्ट से थोड़ा सा पीछे और एक लास्ट में। जो लास्ट में होगा उसको आपने जितना अपने पंप के अकॉर्डिंग जूम करना है वो आप जूम कर लें, और उन 2 मार्क्स के मिड में भी आपने सेम इसी तरह ग्राफ बना लेना है। ये आपने ग्राफ बना लेना है, इसके बाद आपका पंप कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद गैस आपकी वीडियो में जहाँ पर आपने बीट्स मार्क की होंगी वहाँ पर आपने सेम इसी तरह पम्प बना लेना है। सिर्फ आपने फर्स्ट पम्प में जूम वन एनिमेशन ऐड करनी है, उसके बाद आपके जितने भी पम्प्स होंगे आपने सिर्फ ये 2 की फ्रेम्स ऐड कर लेनी है। आपकी वीडियो में जितने भी पम्प्स होंगे आपने सब की फ्रेम्स में सेम यही ग्राफ बना लेना है। सो गैस अब मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट करने लगूँ, तब तक आप वीडियो को इंजॉय करें। तो गाइस जैसा कि आपने देख लिया होगा मैंने अपनी वीडियो में पंप्स ऐड कर ली हैं। अब हम पंप्स को थोड़ा हैवी बनाएंगे। अब गाइस हम सब पंप्स पर एक ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको 2 सेपरेट पार्ट के मिड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने उसको क्लिक करना है। वहाँ पर आपने कैमरा में जाना है, देन आपने पुल इन ट्रांजिशन को ऐड कर लेना है। इसके बाद जो आपकी इस ट्रांजिशन की स्पीड होगी उसको आपने हर सेपरेट पार्ट पर फुली रखना है। अब आपने इस ट्रांजिशन इफेक्ट को अपने हर पंप्स पर ऐड कर लेना है। इसके बाद गाइस अगर आप पंप पर शेक इफेक्ट भी ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जाएंगे नीचे इफेक्ट्स पर। उसके बाद आपने बेसिक पर जाना है, वहाँ पर आपने शेक इफेक्ट को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इस इफेक्ट को थोड़ा छोटा कर लेना है। उसके बाद आपने इस इफेक्ट को क्लिक करके आपने इसकी एडजस्टमेंट पर जाना है, वहाँ पर आपने स्पीड को फुल 100 कर लेना है और इंटेंसिटी को आपने 10-15 कर लेना है। इसके बाद गाइस आपने इस इफेक्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इस इफेक्ट को ऊपर वाले इफेक्ट के बिल्कुल नीचे ले आना है। उसके बाद आपने इस इफेक्ट को क्लिक करके इसकी एडजस्टमेंट पे जाना है, वहाँ पर आपने इंटेंसिटी को 15 कर लेना है। तो इसके बाद हमारे पंप में शेक इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद गाइस हम एक और इफेक्ट ऐड करेंगे। आप जाएंगे इफेक्ट्स पर, वहाँ पर आपने बेसिक पर जाना है, देन आपने वहाँ पर स्लेंटेड ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इसका साइज छोटा कर लेना है। इसके बाद गाइस हम जाएंगे इस इफेक्ट की एडजस्टमेंट पर, यहाँ पर आपने ब्लर एंड रोटेशन को 100 कर लेना है। अगर आपको अपने पंप पर ब्लर इफेक्ट ज्यादा लग रहा है तो आपने ब्लर को 14 या 15 कर लेना है। इसके बाद गाइस आपने इन तीनों इफेक्ट्स को कॉपी करके अपने हर पंप की बीट पर ऐड कर लेना है। तो यहाँ से अब मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। सो गाइस हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट इफेक्ट कौन सा ऐड करना है। सबसे पहले गाइस आप आ जाए अपने फर्स्ट पंप पर, वहाँ पर जो आपने फर्स्ट शेक इफेक्ट ऐड किया होगा आपने उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको ड्रैग करके शेक इफेक्ट से पीछे ले आना है। इसके बाद गाइस आपने इस शेक इफेक्ट को थोड़ा बड़ा कर लेना है, देन आपने इसकी एडजस्टमेंट पर जाना है। उसके बाद आपने स्पीड को 35 कर लेना है एंड इंटेंसिटी को 15 कर लेना है। इसके बाद जो हमने सेकंड इफेक्ट ऐड किया था सिलेंटेड ब्लर, इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है, देन आपने इस इफेक्ट की एडजस्टमेंट पे जाना है, वहाँ पर आपने ब्लर को 15 कर लेना है। इसके बाद गाइस आपने इन 2 इफेक्ट्स को कॉपी करके अपने हर पंप की बीट पर ऐड कर लेना है। जिस तरह हमने यहाँ पर बीट से पीछे ऐड किए आपने इसी तरह हर पंप की बीट पर ऐड कर लेना है। गाइज मेरी वीडियो में जहाँ पर पम्प्स थे वहाँ पर मैंने सब इफेक्ट्स ऐड कर लिए हैं। सो गाइज यही थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस पर आए। बाकी इस वीडियो का रिजल्ट मैं वीडियो को लास्ट में ऐड कर लूँगा। और गाइज इस वीडियो में लाइक से टारगेट है 100, सो जल्दी से कम्प्लीट करवाएं ताकि नेक्स्ट कमिंग ट्यूटोरियल जल्दी आए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।